सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। पिछले कुछ दिनों से ये बात चल रही थी कि इंडियन एयरफोर्स लॉकहीड मार्टिन से F-35 को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स F-35 में इंटरेस्टेड नहीं है और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने लॉकहीड मार्टिन से F-35 की ब्रीफिंग के लिए कोई भी रिक्वेस्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ BS धनोआ जी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि ना ही यूनाइटेड स्टेट से F-35 के लिए कोई भी रिक्वेस्ट किया गया है और ना ही लॉकहीड मार्टिन से F-35 के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए कोई फॉर्मल लेटर इशू किया गया है। अगला अपडेट NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरफ से। DRDO के द्वारा NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का कल एक सफल परीक्षण किया जा चुका है। सोर्सेस के मुताबिक कल NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को डेजर्ट कंडीशन में टेस्ट किया गया था। इस दौरान इसे एक NAG मिसाइल कैरियर से दो बार दो अलग अलग टारगेट पर फायर किया गया था और ये दोनों ही बार अपनी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहा। सोर्सेस के मुताबिक NAG एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अब इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। NAG एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि 4 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और इसे भारत डायनामिक्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसे NAG मिसाइल कैरियर से फायर किया जाता है जो कि एक सोवियत तरह BMP-2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है। ये अपने साथ 12 NAG मिसाइल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा DRDO अभी NAG मिसाइल का एक मैन पोर्टेबल वर्जन को डेवलप करने में लगी हुई है, क्योंकि इंडियन आर्मी को अभी 68,000 से भी ज्यादा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और 850 लॉन्चर्स की जरूरत है। अगला अपडेट अपाची हेलीकॉप्टर्स की तरफ से। टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड ने अपनी पहली फैसिलिटी को आज हैदराबाद में ओपन कर लिया है। ये फैसिलिटी 14,000 स्क्वायर मीटर की है और इसमें 350 स्किल्ड वर्कर्स काम करने वाले हैं। इस फैसिलिटी में अपाची A-64 हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूसलेज सेक्शन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और यहां से ग्लोबली इसको सप्लाई किया जाएगा। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी को सप्लाई किए जाने वाले अपाचीज की फ्यूसलेज सेक्शन को यहीं पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। बोइंग और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच एक एयरोस्पेस फैसिलिटी को बनाने के लिए 2015 में ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और जून 2016 में इसे शुरू किया गया था और इसी साल के अंत तक इसकी पहली प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी और आगे चल के यहाँ पर अपाची जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की फ्रंटलाइन इन्फेंट्री बैटालियन को मॉडर्नाइज करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने आज 9,435 करोड़ एलोकेट किए हैं, जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात इन्फेंट्री बैटालियन के लिए 41,000 लाइट मशीन गन्स और 3.5 लाख कार्बाइंस को खरीदा जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि 41,000 लाइट मशीन गन्स के लिए 3,000 करोड़ और 3.5 लाख कार्बाइंस के लिए 4,607 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इमीडिएट रिक्वायरमेंट को नजर में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को इशू किया गया है और इसके अंदर खरीदे जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स को फास्ट ट्रैक मोड पर खरीदा जाएगा। अगला अपडेट रशिया की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि रशिया ने अपनी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक ऑटोमोबाइल अंडर कैरियर सिस्टम के साथ निजी नवग्रोथ के मशीन बिल्डिंग एंटरप्राइजेस में लॉन्च किया गया है। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि आगे चल के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। इसकी लाइफ साइकिल 25 साल तक है और यह धरती से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक किसी भी एरियल टारगेट को निशाना बना सकती है। इसे अभी रशियन डिफेंस कंपनी एलमाज एंटेक के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और ये 2020 तक रशियन आर्म फोर्सेस में शामिल हो सकता है। अगला अपडेट भी रशिया की तरफ से। इंडियन और रशियन काउंटर पार्ट्स के बीच अभी गोवा में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच मिलिट्री और टेक्निकल कोऑपरेशन को लेकर बातचीत जारी है। इंडियन नेवी की तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस मीटिंग के दौरान INS विक्रमादित्य की सपोर्ट मैकेनिज्म EKM सबमरीन रिफिट प्रोग्राम और इंडियन नेवी के शिप्स और सबमरीन्स में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल सिस्टम के बारे में बातचीत होने वाली है और इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रशियन इक्विपमेंट्स की आफ्टर सेल सर्विस को लेकर भी बातचीत होने वाली है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।